हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय गांगुली आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और 11th क्लास के मैथमेटिक्स में हम यूनिट देख रहे हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री। मैं इसको शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको एक बात की बधाई देता हूँ कि आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। आज की डेट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक खासियत है कि उसका आउटकम सबसे अच्छा आता है, उसके उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। बस आपकी ज़रूरत यह है कि आप उसको सिंसियरली समझें, उसके कंसेप्ट को बहुत अच्छा समझें, आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपने लापरवाही की तो हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, अगर आपने लापरवाही की तो वो आपको उसका फल नहीं दे पाता। तो आज हम आपको बधाई देता हूँ और उसके बेसिस पर हम ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें शुरू करें। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसमें कौन सी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं पढ़ने को, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूँ, जरा ध्यान देना। जब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले भी पढ़ा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये जो वर्ड है ये दो वर्ड को मिला के बना गया है। एक होता है ट्रिगोनोन और एक होता है मैट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, ये दोनों ग्रीक लेटर हैं, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और मैट्रॉन का मतलब होता है आई कैन मेजर। मतलब मैं ट्रायंगल के बारे में उसकी जो चीजें हैं उसको मैं मेजर कर सकता हूं। इन दोनों से मिला के बना है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेचुरली अगर मुझसे कोई कहता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं अच्छा ट्रायंगल होगा और हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल को मेजर करते हो तो एक ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप ये जानते हो कि ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टोटल 6 चीज़ें होती हैं। आप कह सकते हैं एक ट्रायंगल के फैमिली में टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 उसके साइड होते हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे कि एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ये बातें हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मत भूलना अपने जो 10th क्लास में पढ़ा है उसका ये एडवांस फॉर्म है, क्योंकि नाउ यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो नेचुरली आपको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म मिलेगा मैथ्स का। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंगल क्या होता है। एंगल जो होता है, एंगल की डेफिनेशन होती है स्लोप बिटवीन टू लाइंस। ये एक लाइन है और ये लाइन, ये स्लोप का मतलब जो मैंने कहा स्लोप बिटवीन टू लाइन, तो स्लोप का मतलब होता है ये झुकाव जो एक दूसरे पे झुके हुए होते हैं। नेचुरली इसके बीच का स्लोप जो है वो ये है, हम कहते हैं ये एंगल है। आमतौर पे आप जानते हो थ्योरेटिकल फॉर्म में इसे थीटा या अल्फा ऐसे शो करते हैं। तो यह है दरअसल एक एंगल की डेफिनेशन। एंगल की डेफिनेशन है स्लोप बिटवीन टू लाइंस। इसके बाद जो अगली बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट आपके स्टार्टिंग की बातें ट्रिग्नोमेट्री में वही है। आप कोर्स में 11th का कोर्स करो या जेई की बातें करो, जेई में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, जरा ध्यान देना कि हम इसमें और आगे क्या पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिट्स ऑफ एंगल। पहली बात आपको बता दूं कि यूनिट का अपना इम्पोर्टेंस क्या है। आप जानते हो कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए आपकी हाइट कितनी है और आप अपनी हाइट बताना चाहते हो 140 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपने केवल 140 लिख के छोड़ दिया तो इस 140 को लिख के छोड़ देना इसका मतलब है वो क्लियर नहीं हो पाता है कि कितना है। आपको क्लियर कट लिखना चाहिए 140 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है दरअसल इस हाइट का यूनिट है। इस सेंटीमीटर को लिखने से ही आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। किसी ने आपसे पूछा आपका वेट कितना है, आपने कहा 40। अब 40 क्या, 40 किलोग्राम, 40 ग्राम, 40 क्विंटल क्या, तब आप उसे बताओगे कि नहीं 40 किलोग्राम।
तो यहां से आपको ये मालूम होता है कि यूनिट का इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। तो मैं यहीं पे बात करना चाहता हूं कि एंगल का यूनिट जो है वो क्या होता है, कैसे निकलता है। कई लोगों के मन में बातें आती हैं कि एंगल के भी यूनिट होते हैं क्या। एंगल के यूनिट होते हैं, और आप जानते हो, आप कहते हो कि एक 30 डिग्री का एंगल है, तो ये डिग्री जो है उसका यूनिट ही होता है। लेकिन इस यूनिट के बारे में हमें 11th क्लास में डिटेल्स पढ़नी होती हैं, फिर उनके बीच का रिलेशन भी देखना पड़ता है कि क्या क्या है। जब हम यूनिट्स ऑफ एंगल की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें तीन अलग अलग सिस्टम होता है। एक सिस्टम कहलाता है सेक्सागेसिमल सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम, एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि सेंटेसिमल सिस्टम जो है अपने कोर्स में नहीं है, इसका यूज अपने स्टैंडर्ड में नहीं आता। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन हम बात करेंगे सेक्सागेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में यूनिट क्या लिखा जाता है, ये तमाम बातें मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी, सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो एंगल का यूनिट होता है उसको हम कहते हैं डिग्री। अब डिग्री होता क्या है जरा ध्यान दो। आप जानते हो जैसे मैं थीटा के ऊपर डिग्री लगाऊं तो उसको लिखने का तरीका होता है, एक छोटा सा सर्कल बनाया जाता है। अब डिग्री होता क्या है, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक राइट एंगल है, मैं इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स बना रहा हूं, 90 पार्ट्स, तो मैंने एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया, इस तरह से इसको पूरा ब्रेक करके मैंने उसके 90 इक्वल पार्ट्स बना दिए। तो ये जो एक पार्ट है, इसमें एक पार्ट है वन पार्ट, ये होता है वन डिग्री का। मतलब बातें कहां से शुरू हुई, वन राइट एंगल, इसको मैंने 90 इक्वल पार्ट में बांट दिया, और एक पार्ट जो है वन डिग्री का कहलाता है। अब जब हम डिग्री की बात करते हैं तो बातें यहां पे खत्म नहीं होती। हालांकि आप जानते हो डिग्री से ज्यादा हमने कभी बात की ही नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आपको कुछ और बताऊं जरा ध्यान से, क्योंकि आप 11th क्लास के मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, आपको डिटेल्स पूरी मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि चलो ठीक है, आपने एक डिग्री का एंगल बना लिया, आपने कहा यस मैंने ये एक डिग्री का एंगल बना लिया। मत भूलना प्रैक्टिकली ये बहुत छोटा होता है, ये तो बोर्ड में मैंने बनाया इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। लेकिन मैंने आपसे अगर कहा कि चलिए इस एक डिग्री के, वन डिग्री के सपोज 60 इक्वल पार्ट बनाइए, तो आप जानते हैं प्रैक्टिकली आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा कर पाया, 60 इक्वल पार्ट बनाया, तो उसमें वन पार्ट जो है ये वन मिनट का एंगल कहलाता है। इस वक्त आपके मन में एक बात आएगी, मिनट हमने टाइम में सुना है, हम जानते हैं मिनट जो है टाइम का यूनिट है, लेकिन सवाल है कि मिनट जो है क्या वो एंगल का भी यूनिट है। वो एंगल का भी यूनिट होता है, बहुत छोटा एक एंगल होता है वन मिनट। अब आप जानते हैं प्रैक्टिकल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक 60 इक्वल पार्ट। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा नहीं आप 60 इक्वल पार्ट माइक्रोस्कोप से बनाओ, जैसे ही बनाओ, अब आपने एक पार्ट बना दिया, अब उस एक पार्ट का, एक पार्ट मतलब एक मिनट का मैंने एंगल बनाया, और मैंने आपसे कहा कि आप इसके भी 60 पार्ट बनाओ, तो पहले तो आपको हंसी आएगी, आप कहोगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन बनाने वाले बनाते हैं, और वन मिनट के अगर मैंने 60 पार्ट्स बनाए फिर से एक बार, तो बेटा इस वक्त एक पार्ट को हम कहते हैं वन सेकेंड का एंगल,
इसका मतलब जब हम सिक्स डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं तो एंगल की बातें शुरू होती हैं डिग्री से, उसके बाद आता है मिनट और फिर आता है सेकंड। यहां पे बता दूं कि डिग्री को इस तरह से शो करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मिनट को शो करने का तरीका, 1 मिनट अगर लेना है तो 1 के ऊपर हल्का सा डैश लगाया जाता है, और अगर मैं 1 सेकंड की बात करता हूं तो इसके 1 के ऊपर 2 डैश लगाए जाते हैं। इस तरह से डिग्री, मिनट और सेकंड को हमने एक सक्सेस डेसिमल सिस्टम में देख लिया। अब इसमें होता क्या है कई बार, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा एक डिग्री है, ऐसा है, मैं आगे चल के आपको सिक्स डेसिमल का और सर्कुलर सिस्टम का रिलेशन बताऊंगा, लेकिन इस वक्त आपको बात मालूम है कि अगर मेरे पास 1 मिनट का एक एंगल है तो 1 मिनट जो है वो दरअसल 60 पार्ट्स के बराबर है, 1 पार्ट 1 सेकंड का कहलाता है। मतलब आप कह सकते हो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। दैट मीन्स अगर मुझे मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सब बातें भी आएंगी, लेकिन ये तमाम बातें जो हैं वो दरअसल सिक्स डेसिमल सिस्टम में है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मुझे नेक्स्ट आपको बताना है सर्कुलर सिस्टम में एक एंगल का यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की बात जब हम देखते हैं तो हमें इस नाम से क्लियर है कि कहीं ना कहीं सर्कल के बारे में बात होगी। इस सर्कुलर सिस्टम में जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट को कहा जाता है रेडियन, और रेडियन को शो करने का, अगर मुझे 1 रेडियन शो करना है तो मैं इस 1 रेडियन को शो करूंगा 1 के ऊपर छोटा सा सी लिख के। लेकिन अब सवाल है कि रेडियन का एंगल होता क्या है। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि चलिए अपन एक सर्कल बनाते हैं। आपने कहा कि सर्कल बनाते हैं तो उसके लिए हमें इसके रेडियस की जरूरत पड़ेगी, कितना रेडियस लें। मैंने कहा कितना भी, जितना आपका मन। आपने एक पर्टिकुलर रेडियस लेके आपने एक सर्कल बना दिया, ये पूरा अपने आप एक सर्कल बन गया। अब आप जानते हैं ये जो सर्कल में बना हुआ है ये तो रेडियस है, ये इसका सेंटर है यहाँ से, और बाकी ये पूरा का पूरा इसका सर्कमफ्रेंस है। आपको ये भी मालूम है अगर इस सर्कमफ्रेंस का मैं एक छोटा सा कभी पार्ट लेता हूं, आप कहते हो ये जो है वो बना हुआ है आर्क। तो मैंने आपसे कहा कि चलिए इसमें एक आर्क बनाइए। फिर से बात उठी कि ये कितने का बनाए, तो जितना इसका रेडियस है, सपोज इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो आप एक 3 सेंटीमीटर का आर्क यहां से बनाइए। आप यहां से निकाल के यहां तक आपने बना लिया। आपने कहा है जितना इसका रेडियस है आर, उतना ही ये आर्क है। अब आप जब इसको सेंटर से मिलाते हो तो ये जो एंगल बनता है, जो एक आर्क बनाता है, उसको हम कहते हैं सेंटर एंगल। और बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपसे पूछा एंगल कहां पे बना है, आपने कहा सेंटर में बना है। किसके सेंटर में? सर्कल के सेंटर में। उस सर्कल का रेडियस कितना है? आपने कहा आर। किसने बनाई ये एंगल? आप कहोगे आर्क ने बनाया। उस आर्क की लेंथ कितनी है? आर अगेन। तो मतलब बात ये हुई कि आर्क और रेडियस की लेंथ सेम है। ऐसे केस में इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है हम कहते हैं वो 1 रेडियन का एंगल है। तो 1 रेडियन का एंगल क्या होता है? एक सर्कल के सेंटर में बनता है और एक ऐसा आर्क बनाता है जिसकी लेंथ उसके रेडियस के इक्वल हो। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें कहूंगा। मैंने आपसे कहा कि चलिए अपन फिर से एक बार इस काम को करते हैं। एक सर्कल मेरे पास है, ये सेंटर है उसका, और यहाँ पे उसका रेडियस है। इंटरेस्टिंग, इस रेडियन के एंगल के बारे में कुछ आपको बता रहा हूँ किस तरह से क्या रिलेशन होता है। ये जितना रेडियस है यहाँ तक इसका आर्क उतना है। मैंने कहा ये एंगल कितने का है? आपने कहा 1 रेडियन का है। मैंने कहा अगर मुझे 2 रेडियन बनाना हो तो आप कहोगे इसको मैं डबल कर दूं, ये यहाँ तक आ जाता है, ये पूरा हो जाता है 2 रेडियन। अब मैंने आपसे कहा इसको और बढ़ाना है, इसको 3 गुना करना है, आपने कहा इतना और बढ़ा देते हैं,
तो आपने देखा ये पूरा का पूरा जो है वो दरअसल 3 आर्क इक्वल है। आपने कहा ये एक एंगल बना है, ये पूरा का पूरा 3 रेडियन का एंगल है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप 3 तक आ गए हैं, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, आप इतना और आगे बढ़े और इतना आगे बढ़ा के आपने इसको मिला दिया। बात उठी जब आपने थोड़ा सा बताया तो कितना थोड़ा, मैं इसको बता रहा हूं ये 0.14 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये है 0.14। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक आपने टोटल एंगल बनाया है ये 3.14 रेडियन का है। लेकिन जब आपने इस रेडियन को बनाया प्रैक्टिकली आपको अब मालूम चल रहा है कि अरे जब मैंने 3.14 रेडियन बनाया तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का बन गया। यहां से आपके पास मिलता है कि 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3.14 आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है दरअसल रेडियन और डिग्री में रिलेशन। हम जानते हैं हमने दो सिस्टम पढ़े हैं, एक था सेक्सागेसिमल सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल में डिग्री, सर्कुलर में रेडियन, ये दोनों का रिलेशन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सवाल है इसमें जब हम पाई की बात करते हैं तो पाई जो है वो है क्या, किसे कहते हैं हम पाई? है बार बार हम पाई देखते हैं, हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ये बार बार पाई आता है, ये पाई क्या होता है? तो ठीक है जब हमें पाई से काम करना है, बहुत बार करना है, तो हम चलो देखें कि पाई एग्जैक्टली क्या होता है। फिलहाल आपके पास जो कंक्लूजन है वो ये है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अब हम देखें पाई के बारे में, पाई कहां से आता है, क्या होता है। अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आप यहां पे कुछ सर्कल बनाइए, 3 सर्कल बना दीजिए। पूछा गया उसके रेडियस कितना, मैंने कहा नहीं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में 3 सर्कल। आपने एक छोटा सा रेडियस लिया, आपने कहा ये एक सर्कल बन गया। आपने एक और रेडियस लिया, आपने कहा ये भी एक सर्कल बन गया। एक और थोड़ा बड़ा रेडियस लेके आपने इसको बना दिया। इस तरह से आपने 3 सर्कल बनाए हैं, तीनों के रेडियस अलग अलग है। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप यहां से इसके पूरे सर्कमफ्रेंस को मेजर कीजिए, आपने इसको माप लिया, इसको माप लिया, इसको माप लिया, अब मैंने आपसे कहा कि इस सर्कल में मुझे बताइए इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो कितना था, आपने बता दिया सर्कमफ्रेंस इतना है। अब इस सर्कमफ्रेंस में मैंने आपसे कहा कि इसका डायमीटर इसे डिवाइड कर दो, आपने डायमीटर, क्योंकि आपके पास रेडियस है तो डायमीटर तो हो गई डबल करने से, आपने डायमीटर से उसको डिवाइड कर दिया। आपने जब पूरा डिवाइड करने के बाद देखा कि रेशियो कितना आता है, आप अल्टीमेटली इसको देखेंगे ये 3.14 है। इसमें भी अगर मैंने आपसे कहा सर्कमफ्रेंस में जब आप डायमीटर से डिवाइड करोगे 3.14 है, दैट मींस 3.14 जिसको आपने नाम दिया पाई, पाई की वैल्यू, या कई लोग इसको कहते हैं 22/7, ये 22/7 भी 3.14 ही है। यहां से मालूम चलता है कि पाई की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। और वैसे भी अपन अगर इतना तामझाम ना करें तो मैंने आपसे पूछा अच्छा बताइए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा 2πr, अच्छा डायमीटर का फॉर्मूला आपने कहा 2r, डिवाइड करो, आपने 2r से डिवाइड किया, 2r कट गए, मतलब पाई। यहां से भी आपको मालूम चलता है कि अच्छा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर फॉर एनी सर्कल। तो ये पाई था जिसको हमने अल्टीमेटली देखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है। तो ये दरअसल सर्कुलर सिस्टम में एक एंगल का यूनिट है। इसको मैंने आपको बताया जो थर्ड सिस्टम है उसका सेंटेसिमल। इस सेंटेसिमल में हमें कुछ बात करनी नहीं है, सेंटेसिमल अपने कोर्स में है नहीं, तो सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में मैं केवल आपको इतना बता दूं कि जब हम एक एंगल की बात करते हैं तो इसमें जो इस सिस्टम में यूनिट होता है वो कहलाता है ग्रेड, और अगर मुझे 1 ग्रेड लिखना है तो एक 1 के ऊपर एक छोटा सा जी लिखा जाता है।
बस इतना जानना आपके लिए काफी है, क्योंकि जो अपने कोर्स में नहीं है उसको पढ़ के कोई मतलब अभी है नहीं। अब इसमें नेक्स्ट जो बातें आती हैं वो होता है रिलेशन, ये होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मैंने अभी आपको इसका रिलेशन बताया, मैंने आपसे कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसके बजाय एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आप इसको नोट कर लो क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये होता है डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2c अपॉन पाई, जिसमें डी जो है वो डिग्री को शो करता है, सी जो है वो रेडियन को शो करता है। अगर मैंने आपसे कहा कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं तो जरा देखते हैं इसका यूज कैसे होता है, केयरफुली देखना। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, उसने आपसे कहा कि 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करो, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, सॉरी हाँ 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करो, तो मैं जानता हूं 2c अपॉन पाई इज इक्वल टू डी अपॉन 90। डिग्री में चेंज करना मतलब हमें डिग्री में आंसर लाना है। मैं इसको लिखूंगा 90 का क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन पाई इज इक्वल टू डी। सी उसने दिया है 2 रेडियन 180 इंटू 2 अपॉन पाई, पाई मतलब 22 अपॉन 7। इसका कैलकुलेशन आपको दे देगा डिग्रीज में इसका रिजल्ट, जो नेचुरल डेसिमल में आएगा। अब यदि आपने इस पूरे को कैलकुलेट किया, डिवाइड वगैरह करके अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट किया, मैंने आपसे पूछा इसका रिजल्ट आपको कितना मिला है, आपने कहा डी की जो वैल्यू मिली है वो 21.7 डिग्री मिली है। इसका कैलकुलेशन बाय चांस मैंने लिख दिया है एक अंदाज से। अब 21.7 डिग्री जो है आमतौर पे हम इसको ऐसे आंसर नहीं लिखते, हम जानते हैं 21.7 का मतलब होता है 21 डिग्री प्लस 7 डिग्री। तो ये जो 7 डिग्री है, 21 तो ठीक है, लेकिन इस 7 डिग्री को हमें मिनट में चेंज करना पड़ता है। जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 7 डिग्री ये डिवाइड नहीं मल्टीप्लिकेशन होगा 60 × 7, तो मतलब ये 21 डिग्री हो गया और 7 डिग्री को मैं 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में चेंज कर दूंगा, तो आपके पास आ गया 21 डिग्री और प्लस ये तभी आ गया 420 मिनट। फिर 420 मिनट को हम अल्टीमेटली कुछ डिवाइड करके उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो 60 मिनट में एक डिग्री होता है, तो उसको चेंज करके हम डिग्री को बढ़ा देते हैं और फिर डिग्री और मिनट में हमें इसका आंसर देना होता है। ये उसके कंसेप्ट है कि किस तरह से आप उसको चेंज करते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उस फॉर्मूले के बेस पे ये काम होता है। लेकिन कभी अगर हमें किसी डिग्री को, सपोज कीजिए मेरे पास 200 डिग्री है और उसको मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो उस रेडियन में चेंज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम जानते हैं डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2c अपॉन पाई, तो डी की जगह हमने 200 रख दिया, ये 90 है, ये है 2c अपॉन पाई, मुझे c की वैल्यू चाहिए, मैं अभी तो लिख देता हूँ, लेकिन अब मैं इस 2 को इससे काट देता हूँ 100, तो आपके पास आता है 100 पाई अपॉन 90 और आप इसके बदले में लिखते हो सी, मतलब अल्टीमेटली आपका आंसर आया 10 पाई अपॉन 9 इज इक्वल टू सी। कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है क्या पाई की वैल्यू रखनी है, मैं आपको बताऊं कि जब हम अपने इस एंगल को रेडियन में देते हैं तो आपका आंसर इस पाई में चल जाएगा, आपका अल्टीमेटली आंसर कितना है 10 पाई अपॉन 9 रेडियन। इसका आप ध्यान रखो, ये एंगल के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पे हम इसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके बारे में और बात करेंगे, तब तक के लिए